सीधी लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण में हुए कम मतदान पर सिंगरौली जिले के पूर्व विधायक रामलल्लू वैश्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भले ही मतदान प्रतिशत कम हुआ हो, लेकिन जीत भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा की ही होगी। पूर्व विधायक लल्लू वैश्य ने कहा कि कम मतदान का प्रतिशत गर्मी हो सकती है। मतदान के ही दिन तिलक और शादी विवाह जैसे आयोजनों के चलते लोग वोट डालने मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंच सके। इसके अलावा फसलों की कटाई और तेज लू को भी पूर्व विधायक ने कम मतदान का कारण बताया है। बड़े खुशी की बात है, कितने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सारे कार्यकर्ता के साथ संपन्न हो रहा है। जैसा कि मतदान का प्रतिशत की बात है, लोकसभा में हमेशा विधानसभा की अपेक्षा कम मत रहते हैं, फिर भी आप देखेंगे तो कहीं कम नहीं होगा। शादियां विवाह भी 18 को बहुत थी, जो 19 को वापस हुई। खेती कटौती भी थी, इसलिए कुछ मुझे लगा कि परसेंटेज कम हुआ, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतदाता सजग रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि अच्छा संख्या में मत पड़ा है और हमारे प्रत्याशी विजयी हों। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि 400 सीट पार में इस बार जो है तो सत्ता वापस होगी, तीसरी बार सत्ता वापस आएगी। और रही बात सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र की, यहाँ तो हमेशा जब भी चाहे सरकार रही हो या न रही हो, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक और सांसद जीत के दिल्ली और भोपाल को जाते थे। तो आज भी हम सबको इस बात का पूर्ण स्पष्ट तरीके से जो है तो निष्पष्ट है कि हमारे जो सीधी सिंगरौली के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को दी हुई है, उसमें वो प्रचंड मतों से जीत करके वो दिल्ली जाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।